हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हाइट टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर वन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसोर्स टूल किस काम आता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दी गई हैं, पढ़ लीजिए। स्पेलिंग के सुझाव के लिए, ग्रामर विकल्प हेतु, पर्यायवाची और विलोम शब्द हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों पर्यायवाची और विलोम शब्द देखने हेतु। दोस्तों आपको बता दूं, एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप के अंदर थिसोर्स ऑप्शन होती है, जहां से आप किसी भी वर्ड का पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एक डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर जोड़ने का मुख्य मकसद क्या है? ऑप्शन आपके सामने दी गई है, पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन सुधारने हेतु, पेज की शुरुआत व अंत को मार्क करने हेतु, बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने हेतु, डॉक्यूमेंट पर पेज हेडर फुटर प्रिंट करने हेतु। दोस्तों इसका आंसर है डॉक्यूमेंट पर पेज हेडर फुटर प्रिंट करने हेतु। ओके दोस्तों, आप सभी को पता होगा हेडर जो होता है वो पेज के ऊपर वाले हिस्से में लगता है और जो फुटर होता है वो पेज के नीचे वाले हिस्से में लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से कौन एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने में सहायता करता है? यानी कि दोस्तों आपने बताना है कि वह कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों को एक साथ लेटर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पढ़ लीजिए। मैक्रो, टेम्पलेट, मेल मर्ज, कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों मेल मर्ज। और दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग नाम से एक अलग से टैब होता है जहां से आप मेल मर्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी भी रो या फिर कॉलम के टाइटल को स्थिर करना है यानी कि रोक के रखना है तो आप इसमें से क्या ऑप्शन यूज करेंगे? तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। अनफ्रीज पैंस कमांड, फ्रीज पैंस कमांड, होल्ड टाइटल कमांड, सेपरेट कमांड। इसका आंसर दोस्तों फ्रीज पैन कमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी कि दोस्तों यह एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन को पढ़ लीजिए। सेल वैल्यू मूल्यों, लेकिन सेल संदर्भ का नहीं, सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू या सेल संदर्भ का नहीं है हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। इसका आंसर है सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। यानी कि दोस्तों अगर आपने एक सूत्र बनाना है तो आप सेल वैल्यू और सेल संदर्भ का उपयोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। एक्सेल सूत्र की मूल प्रति मिटा देता है, एक्सेल नव नकल सूत्र में सेल संदर्भ संपादित करता है, एक्सेल निरपेक्ष सेल संदर्भ को समायोजित करता है, एक्सेल रिलेटिव सेल संदर्भ को समायोजित नहीं करता है। इसका आंसर दोस्तों एक्सेल नव नकल सूत्र में सेल संदर्भ संपादन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? यानी कि दोस्तों आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने दी गई है, पढ़ लीजिए। बिंग, याहू, गूगल, अल्टा विस्टा। इसका आंसर है दोस्तों बिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? यानी कि दोस्तों अगर कोई इंटरनेट यूज करता है तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दी गई है, पढ़ लीजिए। इंटरनेट सेवा, मोडेम, वेव ब्राउजर, ऊपर के सभी। इसका आंसर है दोस्तों ऊपर के सभी। यानी कि अगर किसी को इंटरनेट यूज करना है तो उसके पास मोडेम, वेब ब्राउजर, इंटरनेट सेवा इत्यादि होने चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, DSL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, डायनेमिक सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? यानी कि दोस्तों आप निम्न में से कौन से चार्ट बना सकते हो एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग करके? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़ लीजिए, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, केवल। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ओके, ये हम एमएस एक्सेल में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस चार्ट के द्वारा उस अनुपात का पता चलता है जिसमें कि कैसे एक या अधिक डेटा तत्व अन्य डेटा तत्व से संबंधित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट। इसका आंसर है पाई चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चार्ट में बॉक्स जहां प्रत्येक रिकॉर्ड का नाम रखा होता है को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़ लीजिए, सेल, शीर्षक, एक्सिस, लीजेंड। इसका आंसर है लीजेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा टैब होता है जिसके माध्यम से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़ लीजिए, इंसर्ट, फाइल, एडिट, व्यू। इसका आंसर है इंसर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आउटलुक में सिलेक्ट किए हुए आइटम की सामग्री को किस फलक में दिखाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पीपल, फोल्डर, नेविगेशन, रीडिंग। इसका आंसर है रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिलीट समय के एक्शन में से कौन सा एक्शन न केवल मौजूदा संदेशों को बल्कि चयनित वार्तालाप के भविष्य में आने वाले संदेशों को भी डिलीट आइटम फोल्डर में डाल देता है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, इग्नोर, क्लीनअप, डिलीट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अपने कंप्यूटर पर ईमेल संदेशों को डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत ईमेल खाते होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP, HTTP। इसका आंसर दोस्तों POP3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट में डेटाबेस बनाता है, यानी कि दोस्तों आपने बताना है एमएस एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, इसका आंसर है दोस्तों .acc.db। ओके, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन नेम। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों आज के बाद में कोई भी टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं आएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पीछे वीडियो है उन सभी को जरूर देख लीजिएगा। और असेसमेंट की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी जरूर देखिए। और दोस्तों RSCT की स्टडी के लिए आप हमारी वेबसाइट learnRSCT.com पे भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइफ एड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे RSCT की वीडियो तो आती ही है और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।